बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बात कर ही लेता हूँ इसलिए कि आप लोग जब तक ऑर्गेनाइज होंगे मेरा कुछ टूर कम हो जाएगा। देखिए, मैं पिछले 2 घंटे से निकला हूँ और मैंने इंतजाम, पहले सुबह जैसे ही उठे थे मैं देख रहा था कि क्या चल रहा है और फिर मैं निकला हूँ तो मैंने चंद्रीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, टावर का इलाका, फिर लियारी, और लियारी से फिर मैं क्लिफ्टन के ये अंडर पासिस देखते हुए सामने वो जो नाला है नर्सरी का, नस्ला टावर के साथ वाला वो, और अब आपके पास नर्सरी में खड़ा हूँ। और इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, जब इतनी बारिश होती है, इस वक्त सुबह 4 बजे से तकरीबन बारिश कंटिन्यूसली चल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं, इस वक्त भी बारिश है, कभी हल्की कभी तेज़ ये बारिश चल रही है। इतनी बारिश में पहले यहाँ खड़े नहीं हुआ कर सकते थे, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी, लेकिन आज अब देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी है इस वक्त। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सबको कि जो मेट वालों की महकमा मौसमियात की पेशन गोई है, वो कहते हैं आज शाम को अभी 5 बजे के बाद से बहुत तेज़ बारिश होगी। हमने पूरी कोशिश की है, नाले इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं, नशेबी इलाकों में ज़रूर इस वक्त भी पानी है, और वो पानी तभी निकलेगा जब बारिश ख़त्म होगी। कोशिश यही होगी कि हमारी सारी शराएँ चलती रहें। लोगों के ये ज़रूर मुझे थोड़ा सा आपके तवज्जो से दरख्वास्त करनी है कि आज इतवार का दिन है, दफ्तर वगैरह भी नहीं है, तो अगर ना निकलें ख़ास तौर पे जब दिन ढल जाएगा उसके बाद, इसलिए कि अगर बारिश बहुत तेज़ होती है तो ज़रूर रोडों पर ख़तरा होगा। लेकिन ये सबको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध, उसके सारे अहलकार, मैंने वज़रा की ड्यूटी लगाई हुई ना सिर्फ कराची में, इस वक्त हैदराबाद में मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, उमरकोट में बारिश हुई है, थरपारकर में बारिश हुई है, मीरपुर खास में बारिश हुई है, बदीन में बारिश हुई है, जामशोरों में बारिश हुई है, इन सबको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर हमारे कैबिनेट मेंबर्स हर जगह पर मौजूद हैं जो कि इंतज़ामिया पे नज़र रख रहे हैं कि वो इफेक्टिवली काम करें, तो मैं यही बता सकता हूं आपको कि हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश करेगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रहमत की बरसात हो और जहमत ना हो, लेकिन जो भी बरसात आएगी आप हमें कम से कम अपने लोगों के साथ पाएंगे। अच्छा शाह साहब, लाहौर जो है डूब जाता है, देखिए मेरी बात सुने, ये जब बरसात तेज़ होती है वो बहुत सैड इंसिडेंट था, बहुत अफसोसनाक था, उससे सबके दिल दहल गए, सब अफसरदा हुए। अगर आप अभी भी देखेंगे ना, बरसात का पानी निकालने के लिए कई जगह पे मैन होल्स को आप खोल देते हैं ताकि वो सीवरेज के साथ पानी निकल जाए, अब इस रोडों पर पानी खड़ा होता है। लोगों से यही दरख्वास्त है कि तेज़ बारिश में कोशिश करें कि सिर्फ बहुत शदीद ज़रूरत हो तब निकलें, उसके अलावा ना निकलें। अच्छा, बाकी ये शादमान वाले नाले पे भी काम चल रहा था उस वक्त, और ये काम कंटिन्यूसली, और ये अभी नहीं, अब आप अगर आप समझते हैं कि ये कोई बारिश के बाद से शुरू हुआ है, और ये हमारे ऊपर बड़ी लगती हैं जो बात करने वाले होते हैं जिनको सिर्फ ये आपके माइक नज़र आते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया पर, तो अरे खुद जर्नलिस्ट बन गए और बड़ा टॉप का जर्नलिस्ट बना हुआ है, वो ये कहते हैं कि जी बारिश आ गई, हुकूमत सिंध ने तैयारी नहीं की, नाले साफ़ नहीं। तो ये नालों का साफ़ करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे साल चलता रहा है। इस वक्त हम नाले जो साफ़ करते हैं उनकी पेमेंट भी हम थ्रू थर्ड पार्टी कंसल्टेंट नेस्पाक से करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पहले सालों में खर्च होता रहे नालों की सफाई पर, उससे कम पैसों में हम सारा काम करते रहे। तो पहले भी हम पैसे दिया करते थे जब हमें कह दिया जाता था, वो पहले हम दे दिया करते थे KMC को पैसे नालों की सफाई के, और कहा जाता था कि जी पैसे नहीं है भाई, जितने पैसों की ज़रूरत होगी उससे अगर आप 3 गुना पैसे ज़्यादा लोगे और फिर भी कहोगे नाले साफ़ नहीं हुए तो, और फिर आप इख्तियारात का रोना रहोगे, तो कोई नहीं, ना इख्तियारात का इशू है ना पैसों का इशू है, इशू है नेक नियति से काम करने का। हमारी कोशिश यही है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कि नेक नियति से काम करते हैं। अच्छा शाह साहब, लाहौर डूब गया, KP डूब गया, सवाबी में पानी है, वहाँ जो है अगर बरसात होती है तो वो मौसम खुशगवार कहलाता है, कराची में बारिश होती है कराची डूब जाता है, CM भी रोड पे नज़र आता है, वज़रा भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी आता है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप ही बताओ यार, आप लोग ही करते हैं, मैं क्या वजह बताऊँगा। लेकिन मैं देखिए, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ,
ना लाहौर, ना पिशावर, ना स्वाबी, ना मर्दान, ना नौशहरा, ना मुल्तान, ना रहीमयार खान, कोई भी जगह ना डूबे। हमारे सब हम भाई हैं। इन एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि जी वहाँ डूब गए और हम देखे नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। अगर सब मिलके काम करें तो मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल कम होंगे। चले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप एक दूसरे का इंस्टेंट के आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं, अगर आप मिल बैठ के और मिल बैठ के काम करें तो लोगों का ही फायदा होगा। मैं यही दुआ करूंगा कि सबसे के लोग आगे 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 निकलने पर। आज इतवार का दिन है तो पब्लिक कम है सड़कों पर, कल भी पेशगोई की जा रही है कि खास बारिश तेज होगी, तो इस हवाले से कोई छुट्टी के हवाले से कोई तजवीज है ताकि आवाम को मुश्किलात रोका जा सके। हम देखें क्या पोजीशन बनती है। अभी जब मैं ये रूट राउंड खत्म करके महकमे मौसमियात से फिर से पूछेंगे, अगर कोई ऐसी जरूरत हुई तो शायद इकदाम उठाना पड़े, इसलिए कि डेफिनेटली जब रोड निकले लोग निकलेंगे तो उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी, तो अगर जरूरत पड़ी तो वो करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं हर जगह जा रहा हूँ भाई, आप मेरे साथ चलो ना। एक मिनट, जो आप मुझे कह रहे हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, अगर आप मेरे साथ चलो, मैं लियारी की गलियाँ घूमाऊँ, मैं ओल्ड टाउन एरिया घुमाऊं, और आप जहाँ मेरे साथ चलो तो आप भी शराब से निकलो मेरे साथ।